असल व्यूअर्स आज एक डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट के साथ हाजिर रहे हैं और एक ऐसी प्रोडक्ट जो नॉर्मली ऑफिसज़ में और बिजनेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं कि यूजली यू विल फाइंड दिस कंपनी एवरीवेयर इन द कम इन द बिजनसेस जी हाँ मैं अभी जैक टी टी इको ब्रांड एक जो हमारा बेसिकली अटेंडेंस डिवाइस के में और वॉक थ्रू गेट्स में भी अभी आ चुके हैं इनमें जो इनका एक बहुत अच्छा नाम है उसके एक प्रोडक्ट है एफ बी ट्वेंटी जिसको हम आज अनबॉक्स कर रहे हैं और उसका हम रिव्यू करने वाले हैं ये प्रोडक्ट बेसिकली एक बेसिक काइंड ऑफ मॉडल है जिसमें जो हमारी इसमें कैपेसिटी है वो थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसमें यू फेस एट हंड्रेड या दिन से जो लेटेस्ट जो मतलब इनके हाई ग्रेड मॉडल्स हैं उनसे भी हम कंपेयर करें अच्छा जेड के इट्स बिन लाइक मोर देन टेन ईयर्स दिस कंपनी इज़ वर्किंग इन दिस मार्केट और हॉनेस्टी स्टेकिंग इस कंपनी ने वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे अपनी प्रोडक्ट्स लाइन को बहुत इंप्रूव किया है शुरू में मुझे अभी भी याद है कि इनकी बहुत बेस लाइन नैनिक प्रोडक्ट्स आती थी बहुत ही अजीब सी बहुत ही टिपिकल स्टाइल चाइनीज़ गेट प्रोडक्ट्स uh, होती थी और इतनी ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती थी एडवांस फीचर्स के साथ नहीं होती थी लेकिन एज अ टाइम पासिस बाय अब जो इनकी डिवाइसिस आ रही हैं अब जो इनकी हाई ग्रेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं और उसमें जो फीचर्स हैं उसने बहुत ज्यादा मार्केट को शेक किया है और हर एक बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको इतना आसान कर दिया है कि आपकी सोच है चलें इसको हम करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं और क्या क्या है ओके okay. दिस इज़ देयर मैनुअल्स और इसके साथ एक सीडी ड्राइव आती है ये इसका इंस्टॉलेशन का जो कार्ड होता है ये वो है चार्जर इसका ये माउंट करने के लिए इसका एक बॉक्स होता है जिसमें ये फिट होती है और इसको अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो ये मशीन अलार्म करती है अगर कोई भी एक्सेस कंट्रोल वाली जगह पर यह लगा हुआ है तो उसके लिए इट्स वेरी हैंडी डिवाइस ये मतलब उसको लॉक करती है मेनली ये है हमारी डिवाइस इसको हम एक तरफ करते हैं अच्छा सर्स ऑफ ऑल द बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड इट्स नॉट दैट बल्कि बहुत बड़ी साइज़ की नहीं है और स्मॉल है इसका सिलिकॉन वो है इसके साथ ये लोग देते हैं एक आर एफ आई डी कार्ड और टेस्टिंग के लिए अच्छा ये है डिवाइस बहुत ही स्वीट सी कूल सी इतनी बल्की नहीं है और इन्होंने अब एक विजन को और दूसरे ब्रांड्स को देख के अपनी भी जो साइज़ और बिल्ड क्वालिटीज़ हैं उसको थोड़ा सा मैंने मेलेटिक किया है अच्छा गौर से देखें इसमें आप एक की है एक छोटी सी कलर्ड स्क्रीन है बट ये टच स्क्रीन नहीं है यहाँ बायोमेट्रिक सेंसर दिया गया है यहाँ इनके दो फेस रिकग्निशन के लिए बेसिकली कैमराज हैं जो सेंसिक का काम करते हैं और थ्री डी इमेज लेके आपका उसको प्रोसेस करते हैं और इसी में यहाँ पर ही इन लोगों का आर एफ आई डी कार्ड का रीडर है आप सिर्फ यहाँ टच करेंगे ठीक है तो इट वन गिव यू एन एक्सेस फॉर एवरी थिंग अच्छा इसके अलावा पीछे पावर का एक सॉकेट दिया गया है ऊपर लैन टी सी पी आई पी पोर्ट बेसिकली इंटरनेट के लिए और एक यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल के लिए अलार्म के लिए ये पूरे सॉकेट्स हैं इन सॉकेटेट्स में फ़ायदा ही होता है कि आप इस पर हर तरह के नहीं और एक्सेस कंट्रोल ग्राउंडिंग ये सब चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हैं और ये हुक् करने के लिए चीज़ें दी गई और एक यू एस बी पोर्ट दिया हुआ है डेटा को डाउनलोड अपग्रेड करने के लिए या इस चीज़ को डिवाइस को अपग्रेड करने के लिए इट्स अ वेरी स्लीक डिज़ाइन टाइप ऑफ मतलब डिवाइस uh, है अगर इसकी मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें फिंगर प्रिंट बेसिकली फाइव हंड्रेड की कैपेसिटी है फेस अराउंड थ्री हंड्रेड हैं और जो कार्ड हैं वो भी अराउंड कोई तो मतलब थाउजेंड के करीब हैं जो रिकॉर्ड्स ही मेंटेन कर सकता है और अपने पास कीप कर सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें पचास हज़ार से ऊपर की ट्रांजेक्शन लिमिट्स है ठीक है मतलब इसकी मेमोरी इतनी है कि पचास हज़ार से ऊपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकता है उसके बाद ये ओवर करेगा या फिर आपको इसको रीसेट करनी पड़ेगी उसके साथ साथ इस डिवाइस के साथ जो तो सॉफ्टवेयर आता है जेट के टाइम एट ठीक है वो एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और उसमें आपको सिक्सटी डेज का लाइसेंस मिलता है अच्छा सिक्सटी डेज़ के बाद क्या होगा वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको दोबारा वो लेना पड़ेगा इज एट के टाइम का वेब बेस्ड डिवाइस है जिस वे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसमें सर्वर वगैरह सब कुछ ही इंस्टॉल होकर सब कुछ होके ये आपको कन्फिगर करके आपको दे देगा उसकी भी मैं आपको अभी डेमो कराता हूँ कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं और कैसे इसको लेके चलते हैं और क्या क्या इसके ऑप्शन हैं और क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं इस छोटी सी नन्नी सी डिवाइस के साथ चलें इसको पावर अप करते हैं और देखते हैं क्या होता है जी अब हम इसको पावर अप करने लगे हैं ये रही इसकी पावर केबल अब जैसे हमने इसको पावर अप किया है तो यहाँ पे इसकी जो सेंसर की लाइट है वो चल चुकी है यहाँ पे एक कलर स्क्रीन जो है वो एक्टिवेटेड हो चुकी है और इसके साथ साथ ये अपनी बीट्स सारी जो साउंड्स वगैरह है वो प्रोड्यूस करने लगी है और लोडिंग हो रही हैं इनका सिस्टम बहुत स्लो है और होता ही है स्लो इनका क्योंकि इतनी सी डिवाइस से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा जैसे ही आपने यहाँ पे ओके का बटन दबाया यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आई होप आपको नज़र आ रहा होगा यूज़र मैनेजमेंट है यूज़र रोल्स हैं और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का ऑप्शन है अच्छा ये सब जो है ना आपको क्योंकि टच स्क्रीन नहीं है तो आपको यहाँ पे जो दिए गए कीपैड हैं इसी के थ्रू ये सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा और वैलिडेट करना पड़ेगा यहीं से आप टाइम वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं प्लस अगर आपको यूज़र्स डिफाइन करने हैं तो आप सिंपली ऊपर जाके यूज़र मैनेजमेंट में क्लिक करके आप अपना एक न्यू यूज़र डिफाइन कर सकते हैं यूज़र नेम की आई उसका नाम उसके रोल उसकी वेरिफिकेशन क्या क्या आपने तीन टाइप्स के हैं पासवर्ड फिंगरप्रिंट बैच फेस वो सब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सेटअप अगर किसी एक बंदे को करने में तकरीबन दो तीन मिनट चार मिनट लगेंगे बट क्या होगा कि जब वो हो जाएगा तो दैट वन बी वेरी गुड फॉर एवरी वन सो इट्स वन टाइम जॉब बट अगेन इट्स अ हैक्टिक थिंग अगर ये तो टच स्क्रीन होती है इसके साथ और ऑप्शन होते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते थे अच्छा इस डिवाइस का यूजअली जो काम है वो रिकॉर्ड्स चेक इन चेक आउट टाइम मशीन जिसको कहते हैं टाइम पंचिंग करना सिर्फ इसका काम वही है ठीक है और जब इसको हम कर देते हैं इस स्टैंड के साथ ऐसे करके ठीक है ये यूँ फिट हो जाएगा अभी मैंने इसकी वायर इसके अंदर तो से पिकअप नहीं की यह जब ऐसे पिकअप हो जाएगा तो ये ऐसे यूँ लग जाती है ठीक है लाइक like, ऐसे लग जाती है कहीं पे भी किसी भी बॉल या कहीं पर भी उसके साथ फायदा ये होता है कि आप इसके अगर जब फेस की व्यू होता है तो ये बहुत आराम से आपको फेस के व्यू को एंगल रखना पड़ता है इसकी एक हाइट भी प्रॉपरली डिफाइन की जाती है कि उस हाइट पर इस डिवाइस को लगाया जाए ताकि जो भी इसको वेरिफिकेशन करनी है यूजिंग द फेस रेकग्नेशन वो ये बहुत ईजीली कर सके वरना प्रॉब्लम होगी बद्दे को यू यूँ नीचे इधर उधर ऐसे होना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इसकी देखनी है प्लस इंडोर और आउटडोर का भी बहुत बड़ा गेम है इसके साथ बहुत सारे लोग इसको आउटडोर पे लगा देते हैं और जब यूज़र्स की प्रोफाइलिंग और फेस रेकग्नेशन एक्टिवेट की जाती है उस वक्त सुबह का टाइम होता है और जब शाम के टाइम पर चेक इन हो रहा होता है चेकआउट हो रहा होता है तब ये डिवाइस काम नहीं कर रही होती है कभी धूप है कभी बारिश है तो उन चीज़ों पर बहुत इफ़ेक्ट रहती है तो इसी वजह से इस डिवाइस को रिकमेंडेड ये होता है कि इनडोर लगाया जाए और ज़्यादा रोशनी मतलब रोशनी तो हो रो इनडोर और एक स्टेबल रोशनी तो ये ज़्यादा प्रेफरेंसेस होती हैं इसकी और ये सारी चीज़ें की जाती हैं अभी देखें जैसे ही मैं यहाँ पे हूँ तो आप गौर से देख रहे हैं कि इसके दो सेंसर्स आर एफ वाले जो कि मेरे फेस को कैकगनाइज कर रहे हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं दो लाइटें रेड चल रही हैं और एक यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम कर रहा है वो भी एक्टिवेटेड है लाइट कि आप यहाँ से फिंगरप्रिंट प्रिंट कह रहे हैं तो वो अगर मेरा रिकॉर्ड उसमें एडिट होगा तो वो बोलेगा थैंक यू इस टाइप को मैसेज आता है तो ये सारी बेसिकली डिवाइस हैं अब आप ये समझ लें कि ये कंपनी में इंस्टॉल हो गई आपने अपनी कंपनी में ये इंस्टॉल कर ली और एक दफ़ा एक बहुत ही लेग जॉब करके आपने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इसमें इनरोल कर लिया उसकी फेस उसकी बायोमेट्रिक और उनकी आपने आर एफ आई डी कार्ड अगर आपने उनको आई डी कार्ड्स वगैरह दिए हुए ऐसे बना के ठीक है तो आई डी कार्ड्स भी आपने उनको टाइमअप कर दिए अब वो बंदा आ रहा है उसको सिंपली या तो अपना फेस दिखाना है या अगर अपना आई डी कार्ड है तो वो उसको टच करना है यहाँ पे या अपनी फिंगर प्रिंट्स देनी है और ये आपको डिवाइस अलाउ करेगी कि आप अंदर जाए और आपकी अटेंडेंस माफ हो जाएगी और इस अगर इस डिवाइस के साथ आपने कोई डोर लॉक अटैच किया हुआ है मैग्नेटिक लॉक्स वगैरह तो वो भी इस डिवाइस के साथ जैसे ही आप इसको चेक इन करेंगे वो ओपन हो जाएंगे मीन्स ऑल इन वन सेटअप है सारी चीजें और अगर कोई इंट्रूजन होती है कोई चीजें होती है तो इसी में हम लोग सायरन वाले वाइब भी अवेलेबल हैं और ये सायरन का बीप देगी और फिर सायरन भी बजना शुरू हो सकता है कि सम वन इज यू नो वेटिंग द डोर और सम वन इज ट्राइंग टू यू नो ये जो एक्सेस कंट्रोल है इसको हटाने की कोशिश करें सो so, ओवरऑल इस प्रोडक्ट को मैं अगर प्राइस वाइज बात करूं तो दिस इज ये पहले बहुत सस्ती थी चूंकि ये अभी इतना भी पुराना मॉडल नहीं है ये भी थोड़ा सा मतलब एक दो साल हुए हैं ये आया हुआ है दो साल हो गए हैं इसको बट ये बेस प्रोडक्ट है बेस लाइन से पूरा ला इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू यू फेस एज कम्पेयर टू यू फेस फाइव हंड्रेड एट हंड्रेड और अब यू फेस नाइन हंड्रेड भी आ चुकी है और उसमें और भी बहुत सारे रिच फंक्शन्स हैं जो कि जेट के टी एको ने दिए हैं ये कॉस्ट कर रही है अराउंड ट्वेंटी to 18,000, 22,000, depends upon the vendor, depends upon the setups. But thing is, बट थिंग इज मतलब आई हैव पर्सनली मैं इस डिवाइस को up to तो 24 to टू ट्वेंटी तक भी देख रहा हूँ डिपेंड्स कि आप किस सोर्स से ले रहे हैं End user या एड यूजर साहब लेते हैं तो ये अराउंड ट्वेंटी फोर टू भी बनती है मिलने को शायद 16-17,000 हज़ार की भी मिल जाएगी अगर आप bulk में चारा से import करेंगे Depends कि क्या है So ये डिवाइस की प्राइस टैग ये है और इस प्राइस टैग के अंदर आपको थ्री फ़ीचर्स या चार तीन चार फीचर्स मिलना बहुत अच्छी बात है रेटिंग वाइज मैं इसकी लुक्स के ऊपर दूंगा बट इस प्राइस में मैं फिर भी कहूँगा कि मैं इसको 8.5 पॉइंट फाइव एंड नाइन के अनाउन दूंगा बल्कि एट पॉइंट फाइव इज़ अ गुड रेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ लाइनअप और डिवाइस ऑन ब्रांड्स भी अब इस मार्केट में आ चुके हैं हैंक्विजन इज डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स पोलो ने भी आपके डिवाइसेज दिए हैं लेकिन अगेन जो पाइनियर होता है जो पुराना बंदा होता है वो हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट ही देता है तो इसकी बेस्ट प्रोडक्ट है आई वुड से कि अगर आपको ऑल इन वन चीज़ चाहिए तो ये ज़रूर लगवाएं हाई ग्रेड चाहिए ज़्यादा डेटा है यू फेस इंटरनेट पे चले जाएँ अगर आपको सिर्फ आपकी इन्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पर आपको फेस का काम नहीं है ठीक है तो आप फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा सकते हैं वो डिवाइस पंद्रह बीस हज़ार रुपये की अट्ठारह हज़ार रुपये की तक कॉस्ट करती हैं बहुत सारे मॉडल्स हैं मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा अपनी अगली वीडियो में अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी इन्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ पे फिंगरप्रिंट काम नहीं करता और सिर्फ फेस की ज़रूरत होती है तो फेस ट्रैकिंग वाली डिवाइस भी अवेलेबल हैं जो कि अराउंड थर्टी टू टर्टी के मार्केट में अवेलेबल हैं सो ऑल टाइप ऑफ सोल्यूशन इज अवेलेबल इन जेट के टी ए अगर आपको अटेंडेंस की किसी भी लेवल की कोई भी डिवाइस चाहिए हो तो ज़रूर आप हम लोगों से रब्ता करें हमारी कंपनी हमारे रिप्रेजेंटेटिव आके पहले आपकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे आपकी चीज़ों को समझेंगे और इस हिसाब से आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन देंगे और आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप इस चीज़ से सारा कुछ एंड टू तो एंड जिसमें कहते हैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें व्यूज़ आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं हम भी मेहनत कर रहे हैं आप भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं और अपने तो आप को आगे बढ़ाएं और चीज़ें बढ़ाते रहें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला